दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की मशहूर बंजारा मार्केट पर आज गुरुग्राम के जिला प्रशासन का पीला पंजा चलाया गया। बंजारा मार्केट में इंटीरियर डेकोरेशन से लेकर घर की साज सज्जा का सभी सामान दूसरे मार्केट के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलता था, इसलिए गुरुग्राम के अलावा दूसरे शहर से भी लोग यहां खरीदारी करने आते थे। लेकिन सोमवार की सुबह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और मार्केट पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में बनी बंजारा मार्केट का नाम तो हर किसी ने सुना होगा और बहुत से लोगों ने यहाँ आकर खरीदारी भी जरूर की होगी, लेकिन अब यहाँ लोग खरीदारी करने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि सोमवार की सुबह हरियाणा विकास प्राधिकरण की टीम ने अपना पीला पंजा यानी कि बुलडोजर फेरना शुरू कर दिया और बंजारा मार्केट में बसी लगभग 200 से ज़्यादा दुकानों और झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया। करीब 10 साल पहले बंजारा मार्केट को HSBP की लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से मार्केट को बसा दिया गया था। कई बार विभाग द्वारा मार्केट बसाने वाले लोगों को जमीन खाली करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने भी विभाग की बातों को अनसुना कर दिया और सालों तक इस जमीन पर अवैध रूप से मार्केट और झुग्गियां बनाकर बसे हुए थे। कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद टोटल 24 से 25 एकड़ जो हमें जमीन बताई जा रही है वो टोटल जमीन है इनकी। कब्जा कितनी जमीन पर है सर? ये कब्जा अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, वो हुड्डा से रिपोर्ट लेनी है, हुड्डा जो रिपोर्ट देंगे हम आपको बता देंगे। तो आज ये सारी जमीन आज ही खाली करा देंगे सर? कोशिश हमारी यही है कि आज ही खाली करा देंगे और जितना कम नुकसान हो उतना अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं कई लोगों से बात करके आया हूँ जिनकी दुकानें हैं, उनका ये कहना है कि हमें मोहलत दे देते हैं कि हम सामान निकाल लेते हैं। मोहलत कल इनसे खुद बात करके गए थे, इन्होंने खुद बोला था कि हमें सिर्फ शाम तक का समय दीजिए, तो कल हमने कार्रवाई टाल दी थी और इसी कंडीशन में डाली थी कि आप अपना सामान निकाल लीजिए, जो भी है आपका कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपकी जो झुग्गियाँ हैं सिर्फ इनको गिराया जाएगा। पर सुबह आके देख रहे हैं अभी तक कोई भी सामान निकाला नहीं गया है, अभी भी थोड़ी मोहलत देने की सोच रहे हैं इनको कि आधा एक घंटा एक मोहलत दे देते हैं कि जितना भी अंदर कीमती सामान अपना सामान बाहर निकाल लें एक बार, उसके बाद दोबारा हम कार्रवाई चालू करेंगे दोबारा। तो डिमांड ये भी लोग कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जमीन दे दी जाए जहाँ से हमें उठाया ना जाए, कोई ऐसी कुछ आप भी रिकमेंडेशन देंगे सर आगे? ये तो खाना बदोश है, आज यहाँ है कल दूसरी सड़क पर जाकर बैठ जाएंगे खाली जमीन कहीं। वो उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी इस बारे में भी कि जितने अब ये बेघर हुए हैं इनके लिए आगे कहाँ रियायत रखी जाए या इनका क्या रास्ता निकाला जाएगा, वो उच्च अधिकारियों से बात करके पता लगेगा। सेक्टर 56 में बनी बंजारा मार्केट में दुकान चलाने वाले लोगों की माने तो ये लोग पिछले 10 सालों से इस मार्केट में अपनी दुकानें शांतपूर्ण तरीके से चला रहे थे और विभाग की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। अगर विभाग इन्हें जमीन खाली करने के लिए कहता तो वो बिना किसी विरोध के यहाँ से जमीन खाली कर देते, लेकिन अब बिना नोटिस के HSBP विभाग की उनकी दुकानों और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया है। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। दिवाली पर बेचने के लिए जो भी सामान ये कर्ज लेकर लाए थे वो सामान भी टूट गया, ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान भी इनको उठाना पड़ा है। कितने दिनों से आप लोग थे यहाँ? 10 साल से थे, नहीं तो हमको इन्हें वो भेजा, वो क्या कहे करे, नोटिस नहीं भेजा और ना हमको खबर करी, चांद चुका गया, हमारा बहुत नुकसान करा। दिवाली के ऊपर हम श्रीमान दिवाली पास में आ रही थी, उधारे ले लेके हमने कर्जा लिया था वो भी तोड़ दिया। अब मोहलत दे रहे हैं आधे घंटे की, कह रहे हैं मोहलत दे रहे हैं आधे घंटे की, सामान निकालो, सारा तोड़ दिया, कहाँ है अब मोहलत कहाँ दे रहे हैं? सुबह ही देते, यहाँ रोक लेते, बिल्डोजर रोक के कहते भाई तुम्हारा खाट पीट ही निकाल लो। अब क्या करोगे, आगे कहाँ जाओगे? आगे कहाँ जावा, यहाँ जला देंगे सारी झुग्गी, यहाँ ही रहेंगे, हमको मिट्टी में सोना हो जाओ। बंजारा मार्केट तोड़ने का हमें उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, बोल के भी नहीं गए, नोटिस दे के भी नहीं गए। पहले आए थे दिवाली की बोल के गए थे कि दिवाली के बाद तुम्हारा सामान हटा लेना, हमने हमारा टूम टार रखे, हमारा बिजनेस कारोबार चालू किया, हमें टाइम भी नहीं दिया, तुरंत आके रात को सुबह 4 बजे से जैसी भी लगा दी। सर बोलो बताओ क्या करें, हमारे एक एक में 5 लाख का, किसके 10 साल का, 5 साल का, इसने 6-6 लाख रुपए का माल है इसके अंदर, कर्जा लेके उठा के छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमने उनको टाइम दिया, अगर हमें हटवा रहे हो तो हमें कहीं शिफ्ट कर दो, हमें कोई गरीब गुरबे हैं हमें कोई जगह दो, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने ऐसे बोला आप दिवाली तक अपना खाओ पियो कमाओ बिजनेस करो, दिवाली के बाद आप हटा लेना, अचानक ही आके हमें तोड़ फोड़ करके गए। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे हम? बोलो बाबू जी, गरीब 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं हम,
आज तक हमारी कोई सुविधा नहीं हुई है, कोई शौचालय बाथरूम कुछ भी। हमारी कमारी बेटी, जवान बेटी ऐसे सब रोडों पे सब जगह भटकती करती रहती है। बोलो बाबू जी क्या करें। अब देखो हमारे कितना नुकसान हुआ है, 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। बोला था हमें, हम गए थे डीसी के पास, डीसी ने बोला था तुम दिवाली तक, हमें लिख के दिया था तुम दिवाली तक तुम्हारा बिजनेस करो, तुम्हारा चला लो, दिवाली के बाद हमें खाली चाहिए। हम लिख के आ गए थे कि हम दिवाली के बाद खाली कर देंगे। हाँ वो लेटर है हमारे इन्हीं में पास। हम गए थे गुड़गांव में कोर्ट से जज के पास, हमने उनसे रिक्स मांगी। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा बिजनेस तुम करो दिवाली तक, हमें उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। तोड़फोड़ करने पहुंचे एचएसबीपी के अधिकारी की माने तो लगभग 8.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन विभाग की है और बंजारा मार्केट विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई थी। इस बार मार्केट में दुकान संचालकों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद विभाग ने उचित कार्यवाही करते हुए तोड़फोड़ शुरू की है। विभाग द्वारा इस जमीन को खाली करके यहाँ इनकम टैक्स कार्यालय बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।